Let's read chapter 7 The Train to Aswan. Kate and Maddie are on a trip to Egypt. Kate puts her bag down on the ground to pose for a photograph. Her bag is stolen by a man in a black suit who replaces it with another brown bag. Inside the bag, Kate and Maddie find a golden statue. In the photograph, they spot the man picking up Kate's bag. Now let's read to find out what happened next. Kate और Maddie दोनों इजिप्ट की टिप्पणी the. और Kate जो है अपना bag को नीचे रखती है, photograph खींचने के लिए, खीचाने के लिए. तभी उसका किसी ने bag चुरा लिया. और उसके बैग की जगह दूसरा ब्राउन बैग रख देता है जब केट ने देखा कि उस केट एंड मैरी ने देखा कि उस बैग के अंदर एक गोल्डन स्टेचू है और जब उन लोगों ने फोटो खींचा था उसमें उस देखे उन्होंने उस फोटो में भी उस आदमी का पिक्चर आ गया था और उस दिख रहा है कि वो केट का बैग लेकर चला गया अब आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ it was 6 o'clock the sun was coming up we were on the train to aswan and cairo was soon behind us as we crossed the countryside i looked out of the window and saw several small houses and animals सुबह के छह बज रहे थे और सूर्य ऊपर की तरफ आ गया था हम लोग ट्रेन में थे आजवन के लिए एंड और केरो को छोड़कर वो लोग आ गए थे आगे जब वो लोग कंट्री साइड ग्रामीण इलाके को क्रॉस कर जाते हैं और विंडो के बाहर देखते हैं तो वहां पे उन्हें छोटे छोटे घर और एनिमल्स दिखते हैं। किट वॉज लुकिंग एट फोटोग्राफ ऑफ द मैन इन द ब्लैक सूट और किट जो है देख रही है कि उस फोटोग्राफ में एक आदमी है जो ब्लैक सूट पहना हुआ है आई हैव हिज बैग एंड ही हैज माई बैग सी से उस उसके पास मेरा बैग है और मेरे पास उसका बैग है पर ऐसा क्यों वाई डिड ही टेक योर बैग एंड लेव हिज बैग बिहाइंड वो उसने ऐसा क्यों किया कि मेरा बैग लेकर गया और अपना बैग यहाँ छोड़ दिया आई आर और वो उसे पूछ दिया I don't know," she said. "I need to get some information about the golden statue that is in the bag." कहती कि मुझे ये पता नहीं कि ऐसा क्यों किया लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इस गोल्डन स्टैचू के बारे में जो इस बैग के अंदर है मिस्टर जॉनसन हैज अ बुक ऑन इजिप्शियन हिस्ट्री मिस्टर जॉनसन के पास एक इजिप्शियन हिस्ट्री की बुक है वाई डोंट यू चेक इफ इट हैज एनी इंफॉर्मेशन ऑन द स्टैच्यू आईस्टेड और कहती है कि क्यों नहीं तुम उनसे चेक करती हो कि उस बुक में कुछ स्टेचू के बारे में उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है मिस्टर जॉनसन वॉज आर हिस्ट्री टीचर हुईज दिस ट्रिप टू इजिप्ट मिस्टर जॉनसन जो है उन लोगों के हिस्ट्री के टीचर हैं जिन्होंने ये ट्रिप इजिप्ट का ऑर्गेनाइज किया था great idea thank you और वो कहती है कि कहती है कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है उसके लिए धन्यवाद आई एम गोइंग टू आस्क मिस्टर जॉनसन फॉर हिज बुक और मैं जाती हूँ मिस्टर जॉनसन से उनकी वो वाली किताब हिस्ट्री की मैं मांग के लाती हूं आई विल फाइंड आउट अबाउट द हिरोग्राफ्स एंड द स्टैचू मैं जो स्मिथ चित्रलिपि है और इस स्टैचू के बारे में मैं पता करती हूँ आई विल बी बैक सोन और मैं जल्दी आती हूँ सी गॉट अप एंड पेंट आउट उठती और जाती है बाहर की तरफ I looked at the people on the train और देखती है ट्रेन में जितने लोग थे A man in front of me was reading a newspaper और मैं उसके सामने जो एक आदमी बैठा हुआ था वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था I looked at the words on the front page But I could not read them since the newspaper was in Arabic. और उसको उस जो उसके न्यूज पेपर में के सामने वाले पेज की तरफ वो देखती है उसमें जो वर्ड्स लिखे थे जो पढ़ नहीं पाती है क्योंकि वो क्या था अरेबिक में लिखा होता देन आई सॉ अ फोटोग्राफ फिर उसमें वो देखती है कि एक पिक्चर है इट वॉज पिक्चर ऑफ द गोल्डन स्टैचू और वो जो पिक्चर था वो गोल्डन स्टैचू का पिक्चर था हेलो आई सेड टू द मैन वो उसको मैं आदमी को हेलो बोलती है न पूछती है डू यू स्पीक इंग्लिश और पूछती है क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो ही नॉडेड और वो आदमी जो है हिलाता है बहुत डज इस स्टोरी से प्लीज ये जो स्टोरी है जिसमें वो पिक्चर था वो पूछती है कि ये क्या कह रहा है आई आज इम क्यूरियसली उससे बहुत उत्सुकतापूर्वक पूछती है He read from the newspaper, golden statue missing. और वो पढ़ता है पेपर से कि क्या लिखा है उसमें गोल्डन स्टेचू मिसिंग वो गोल्डन स्टैचू जो है वो मिसिंग है अ गोल्ड स्टैचू ऑफ क्वीन नेफित्रा इज मिसिंग जो गोल्डन स्टैचू है क्वीन नेफित्रा का है वो मिसिंग है पुलिस आर लुकिंग फॉर अ मैन इन अ ब्लैक सूट और जो पुलिस है वो आदमी को ढूंढ रहा है जो कि ब्लैक सूट में है थैंक यू आई सेड टू द मैन और वो उस आदमी को धन्यवाद करके चली जाती है ही स्माइल्ड एट मी एंड वेंट बैक टू रीडिंग हिज न्यूज़पेपर और वो उसको देखकर स्माइल करता है और फिर से अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है सून केथ रिटर्न एंड आई नोटिस हर रेड फेस as she sat down beside me और जब कैट जो है वो जब अपने सर के पास गई होती जो मिस्टर जॉनसन के पास किताब लेने के लिए वहां से लौटती है और वो देखती है मैडी देखती है कि जो है केट का फेस बहुत रेड है जब वो उसके पास बैठती है मैडी सी सेड इट इज द स्टेचू ऑफ क्वीन नफेत्रा वो कहती है कि ये जो है स्टेचू है क्वीन नफेत्रा का है मिस्टर जॉनसन बुक हैड अ गुड फोटोग्राफ ऑफ द इन इट और जो मिस्टर जॉनसन है उनकी किताब में इसका बहुत ही अच्छा फोटो है द ट्रेन रीच एट ओ क्लॉक द इवनिंग ट्रेन जो है शाम को पहुंचती है एसमन मेंच वॉज असलीपेच सो रही थी इट हैड बिन अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम कैरियो टू एजम कह रहे हो से का बहुत ही लंबा जर्नी था हॉट एयर रश्ड एंड वेन आई ओपन द विंडो और जो है जब वो मैंडी जो है खिड़की खोलती है तो उसमें से गर्म हवा अंदर आती है के वी आर हेयर वी आर एज वन आई सेट और कहती है कि हम लोग पहुंच गए हैं एज को उट के जो भी है अपनी आँख खोलती है और बाहर की तरफ देखती है अपने बैग खोलो और मेरे साथ आओ The hotel is nearby। जो होटल है पास में ही है will walk। said Mr. Johnson। जो मिस्टर जॉनसन कहता है कि हम लोग पैदल चलते हैं noticed several people in the streets and many small shops。 While we वॉक डाउन द streets ऑफ एजवन जब हम वो एजवन की स्ट्रीट्स में वॉकिंग वो लोग होटल की तरफ जा रहे थे तो बहुत देखते वहां पर बहुत सारे छोटे में और बहुत सारे लोग घूम रहे हैं यू कैन बाय क्लोथ्स एंड ज्वेलरी इन दीज शॉप्स सेट मिस्टर जॉनसन मिस्टर जॉनसन कहते हैं कि इन सब दुकानों से आप तुम लोग कपड़े और ज्वेलरी खरीद सकते हो वी वॉक पास पास द शॉप्स

मैन वेरिंग अट वॉप सडनली जो मैंने वो देखती है कि एक आदमी काला सूट पहना हुआ दुकान से बाहर निकलता है Could it be him? I wondered. और सोचती है कि शायद वही आदमी तो नहीं है बैग वेयर इज द स्टैचू आई आस्टर और फिर मैंने पूछती केट का तुम्हारा बैग कहाँ है वो स्टैचू कहाँ है

Next day, they visit the temples of Abu Simbel, where they spot the man in the black suit again. फिर से वहाँ पे वो जो next day जब जाते हैं temple जो Abu Simbel सिं, में है, तो वहाँ पे फिर से वो उस आदमी को देखते black suit में. Later, man, they follow the man into the temple of Queen Nefertiti. वो फिर जो है मैंडी उस आदमी को follow करती है

अच्छा फिर वो अपने मिस्टर जॉनसन एंड केट को मिलती है और वो पुलिस जो है उस आदमी को अरेस्ट कर लेता है पास किसका बैग था और उस बैग के अंदर क्या था? हैज द ब्राउन बैग व्हिच बिलोंग टू द मैन इन द ब्लैक सूट the man in the black was a thief who had taken kat's bag and had replaced it with another brown bag. there was a golden statue of queen nafi 3 in the brown bag. what did maddie find out about the statue? maddie found out that the statue was of queen nafi 3 and that it has made of gold.

What items did the girl find interesting in the shop? Mandy found a beautiful necklace, and Kate was interested in a pretty box. What happened to the bag? What was the bag? The bag was stolen from the shop by the man in the black suit. Thank you, children. होप यू आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं हैव अ गुड डे